पमीना दरता मुंग वायु सलाम चाइना सासो मुबारक शान विकाल चाइना दसल पमीना दरता मुंग वायु सलाम चाइना सासो मुबारक शान विकाल चाइना सासो मुबारक शान विकाल चाइना। दोस्तों, भाइयों और बेनजीर यूनिवर्सिटी से आए हुए असातिज़ा कराम, स्टूडेंट्स, चाइना विंडो की इंतज़ामिया, सरहद चैम्बर की टीम, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले अमजद अजीज़ मलिक साहब और चाइना विंडो की इंतज़ामिया और आप सबके शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया, ये इज़्ज़त बख्शी। आपने मेरी बहुत इज़्ज़त की, अल्लाह आप सबकी बहुत इज़्ज़त करे। आज एक इंतहाई अहम दिन है कि जिसके अंदर चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के सिलसिले में ये तकरीब का इनेकाद है। तो मैं अपनी तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, तह दिल से चाइना विंडो की वसातत से अपने चाइनीज़ बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ईयर ऑफ द ड्रैगन है जो कि खुशहाली और अमन के साल का निशान है और हम उम्मीद करते हैं ये प्रॉस्पेरिटी जानेबैन चाइना और पाकिस्तान जो दोनों ब्रदर ममालिक हैं इन सब के आवाम के लिए खुशहाली का, अमन का और तरक्की का पैगाम लाएगा। चाइना के साथ जो लाजवाब दोस्ती के रिश्ते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, बल्कि सारी दुनिया उसको इतराफ़ करती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बग़ैर लिखत के एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान और चाइना के वजूद के बाद से अटूट रिश्तों में मजबूत होता चला रहा है। और हर मुश्किल में चाइनीज़ ने हमारा साथ दिया है। और इसमें तारीख को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइना के इब्तदाई दिनों में जब चाइना की तरक्की इस तरह नहीं थी तो पाकिस्तान ने भी बहुत बढ़ चढ़ के चाइना की मदद दी। बल्कि जो तारीखी पैक्ट और सुलह का दरवाज़ा खुला था अमरीका और चीन के दरमियान, और जो पहला दौरा अरेंज किया गया था प्रेसिडेंट जाया खान के दौर में और हेनरी कैसिंजर गए थे पहले दौरे पे, तो वो सब पाकिस्तान की एफर्ट्स थी जो कि उसको दुनिया उसको तस्लीम करती है और उसके बाद चाइना को एक नई ओपनिंग मिली थी। आज हम सब पर उम्मीद है कि सीपैक जो कि गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह, उसकी तरफ हम देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं, हमारी यूथ देख रही है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे बिजनेसमैन, हमारे आवाम, हर तबके के लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस वक्त ये पाए तकमील पे पहुंचेगा तो हमारे लोगों की खुशहाली का एक जामिन होगा और नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान की जो लोकेशन है जोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल, वो ऐसी जगह के अंदर है कि जहाँ पे हम न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि यूरोप तक जो सिल्क रूट है ये सारा का सारा हमारे थ्रू होके जाता है। और इसके अंदर किसी को कोई शायबा नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त ये सिलसिला चलेगा तो सबसे पहले उसके बेनिफिशरी इंशाल्लाह केपीके के अवाम होंगे और तमाम पाकिस्तान के अवाम होंगे और हमारे दीगर ब्रदर हमसाया मुस्लिम ममालिक भी होंगे। मैं इस मौके पे अमजद अजीज मलिक साहब की तारीफ़ ना करूँ तो मेरा ख्याल है कंजूसी होगी और हक नहीं अदा करूँगा मैं दोस्ती का, भाईचारे का और उनकी जो खदमात हैं। उन्होंने पेशावर में बैठ के ये जो कॉन्सेप्ट किया है चाइना विंडो का, इसने ऐसा लगता है कि बिल्कुल चीन के साथ एक खिड़की खोल दी है केपीके की, और यहाँ से बहुत बड़े डिग्निटरीज आए हैं और ये मैसेज चीन के लोगों तक जाता है उनकी एम्बेसी के ज़रिए, उनकी एजेंसीज के ज़रिए, कि यहाँ के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं। इस मौके पर मैं अमजद अजीज़ मलिक साहब के तवसत से एक बात दावत भी देना चाहूँगा चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि वो यहाँ पर आएँ, सरमायाकारी करें, उनको यहाँ पे बहुत इज़्ज़त के साथ रखा जाएगा, वक़ार के साथ रखा जाएगा। और इसके अंदर एक एफर्ट आकिल शाह साहब ने किया था कई साल पहले, जो कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट की चेन लेके आए थे ग्रीन्स होटल के अंदर, पाक चाइना फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट था जो कि सिंकियांग की एक पूरी मैनेजमेंट आई थी और वो बड़ा ही कामयाब रेस्टोरेंट था। हमारी जवानी थी उस वक्त, लेकिन वी यूज़ टू इन्जॉय इट एवरी वीक। तो मैं इस तरह के वेंचर्स को भी दावत देता हूँ कि वो आएँ, और चाइनीज़ रिटेल बिजनेसेस को भी दावत देता हूँ कि वहाँ आएँ और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यहाँ लॉन्च करें, ताकि लोगों को, जिससे पहले कि जब बड़ी इंडस्ट्री लगे
चाइनीज़ कल्चर के साथ, चाइनीज़ खानों के साथ और चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ आगाही हो। चाइनीज़ लैंग्वेज से गाने में पाक चाइना विंडो जो किरदार अदा कर रहा है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लैंग्वेजेस सीखने से दूरियाँ कम होती हैं और एक दूसरे के कल्चर अंडरस्टैंड करने में समझ आती है। मैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को, उन्होंने जो डिपिक्शन की है आर्ट के ज़रिए पाक चीन दोस्ती की, उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और बाज़ पेंटिंग्स और बाज़ मैसेजेस को देख के दिली खुशी होती है और लगता है कि रूहों का बंधन है चीनियों का और पाकिस्तानियों का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वायु सलाम चाइना सासो मुबारक शान विकाल चाइना सासो मुबारक शान विकाल चाइना।